दोनों हैं हमारी टेस्टिस, टेस्टिस में बनते हैं स्पर्म। अब स्पर्म जो ट्रांसफर होता है वो किसके थ्रू होता है, वो एक ऑर्गन के थ्रू होता है जिसका नाम होता है पेनिस। तो पेनिस का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह का होता है, पेनिस का स्ट्रक्चर कुछ हमारा इस तरह का होता है। तो ये हमारा क्या है, पेनिस। तो आज हम पेनिस के बारे में बात करेंगे कि पेनिस का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरह होता है। अब आप जो ऊपर की तरफ ये देख रहे हो, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, राउंडेड बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, स्वेलन स्ट्रक्चर है, इसको ऊपर से क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम ग्लैंड्स पेनिस। क्या बोलते हैं, ग्लैंड्स पेनिस। और ये जो ग्लैंड्स पेनिस है इसी में ही नर्व एंडिंग सबसे ज़्यादा मौजूद होती है। तो जो सेंसेशन होती है वो इस ग्लैंड्स पेनिस पर सबसे ज़्यादा होती है। मतलब कि अगर इस पर कोई हल्का सा टच भी होगा तो आपको बहुत ही जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि ग्लैंड्स पेनिस पे नर्व एंडिंग्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है।